नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ स्टेशन। अब बात करते हैं सुकेश की, महाठक सुकेश। तो देखिए, यहां पे खबर आ रही है अब रोहिणी जेल से, दिल्ली की रोहिणी जेल से, कि 82 अफसरों पर एफआईआर हो चुकी है और इसका सीधा कनेक्शन, डायरेक्ट कनेक्शन महाठक सुकेश के ऊपर मिलता है। जी हाँ, यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं कि पहले की खबर क्या थी, कि यहाँ पे सुकेश को एक ठगी के आरोप में रोहिणी जेल में बंद करा गया, उसके बाद में तिहाड़ भेजा गया, जो कि अभी भी तिहाड़ में ही है। लेकिन जब रोहिणी जेल में रहते हुए महाठक सुकेश जो अपना था पूरा का पूरा कारोबार, जो कॉनमैन का कारोबार था, वो वहीं से चलाता था, रोहिणी जेल से चलाता था। अब एफआईआर 82 यानी कि 82 अफसर्स के ऊपर जो एफआईआर हुई है वो किस लिए हुई है, अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे जो सुकेश था ये अपना जो कारोबार चलाता था ब्लैकमेल करके या फिर दूसरे ठगी करके जो कारोबार चलाता था, वो रोहिणी जेल से चलाता था और इसमें उसका साथ देते हैं ये 82 अफसर। जी हाँ, जिनका नाम एफआईआर में दर्ज है, हमारी स्क्रीन पे आप नाम देख सकते हैं। तो इन सबको देखिए कि अब जो पुलिस है, दिल्ली पुलिस ने इनका नाम नामजद करा है और महाराष्ट्र पुलिस में भी इसका काफी रोल है इनको नामजद करने के लिए एफआईआर। तो यहाँ पे आप देखिए कि उनके ऊपर आरोप लग गया है कि जो 82 ऑफिसर्स हैं वो सुकेश से 1.5 करोड़ रुपए महीना चार्ज करते थे और उसको जो सहूलियत है वो पहुंचाते थे, वो मुहैया कराते थे। अब सहूलियत में क्या क्या मुहैया कराते थे तो बताना चाहता हूँ कि जैसे जब जेल में कोई जाता है कैदी, तो उसको वहां पे चार्जेस अप्लाई करके यानी कि पैसे देकर वो कुछ भी करवा सकता है। जैसे कि अगर मैं अब लॉरेंस बिश्नोई का अगर मैं एग्जांपल हूँ, तो लॉरेंस बिश्नोई भी तिहाड़ में पैसे देकर, जो अब खैर अब तो लॉरेंस बिश्नोई पंजाब जेल में है, लेकिन वो तिहाड़ में पैसे देकर अपने बिस्तर लगवा देता था या फिर और भी कोई मोबाइल की जो होते थे या फिर मोबाइल से बातचीत करने था या फिर अपने सेल में यानी कि अपने बैरक में टीवी का उपलब्ध करा देना, मतलब ऐसे जो सहूलियत होती थी वो पैसे देकर करवाई जा सकती थी। ऐसे ही देखिए कि रोहिणी जेल में सुकेश वो अपने जो पूरा कारोबार था वहीं से चलाता था। अब देखिए कि ये 42 जो 82 जो एफआईआर जो इसपे हुई है 82 अफसरों के ऊपर, वो अब हो चुकी है और इसमें दिल्ली पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस साथ में मिलकर काम कर रही है। अब आगे जानना ये होगा कि सुकेश की जो पूरी मिली भगत है वो और कितने अफसरों से हो सकती है, तिहाड़ में भी हो सकती है या फिर सिर्फ रोहिणी जेल तक ये सीमित रहेगी। लेकिन अब देखिए कि यहाँ पे बड़े बड़े जो अगर सुकेश की बात करूँ, महाठक सुकेश की, तो उसमें काफी सेलिब्रिटीज का नाम आया था जिसमें नोरा फतेही और जैकलिन फर्नांडिस भी शामिल थी और साथ ही साथ इसमें जेल में रहकर वो बड़े बड़े बिजनेसमैन यानी बड़े बड़े कारोबारियों को भी अपनी ठगी का एक विक्टिम बना दिया करता था। तो इसमें लगातार अब देखिए कि पकड़ धकड़ तो देखिए साफ इसमें पूरी होती जा रही है। अब इसमें ऑफिसर्स का नाम आ चुका है और लगातार देखिए बड़े बड़े नेताओं का भी नाम इसमें आता जा रहा है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, सुकेश महाठक सुकेश के बारे में, जिसने देखिए इतना बड़ा कांड करके अब जो तिहाड़ की जेल में इस वक्त बंद है और इसमें लगातार देखिए मुकदमे और दर्ज होते जा रहे हैं, हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में बिल्कुल आप बता सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको सही लगे तो इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ स्टेशन।